मॉर्निंग लेक्चर नंबर सिक्स में है, क्लास चल रही है प्लस वन चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव को। देखो मैंने डेरिवेटिव लिख दी है, डेरिवेटिव है और एक्सरसाइज 13.4 टॉपिक चलेगा नॉन डिफाइंड फॉर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल एंड लॉगरिथम। ये चीज हमारे साथ चल रही है। चलिए सबसे पहला रिजल्ट के ऊपर चलें। सबसे पहला मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंट फंक्शन बता दूं, थोड़ा सा रिजल्ट से बता दूं, फिर मैं रिजल्ट शुरू करा दूंगा। सबसे पहला है एक्सपोनेंट फंक्शन कौन से होते हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन आ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो इस फॉर्म के होते हैं जहां कांस्टेंट नीचे होता है और वेरिएबल ऊपर होता है, ऑफ द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल 2 की पावर एक्स, आपने एक्स स्क्वायर तो बहुत सुने नाइन्थ में, टेंथ में साइन स्क्वायर एक्स भी सुना हुआ है, तो आज आप सुनोगे 2 की पावर साइन एक्स। एग्जांपल ए की पावर कॉस एक्स, एग्जाम्पल 3 की पावर साइन इनवर्स एक्स, एग्जाम्पल ई की पावर एक्स। यहाँ ई जो है वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, हेयर ई जो होता है, हेयर ई को हम बोलते हैं, नाम होता है इसका एक्सपोनेंट, जैसे पाई होता है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2.7183 होती है। जैसे पाई एक होता है, पाई ग्रीक लेटर होता है, ऐसी एक्सपोनेंट है एक वर्ड जिसकी वैल्यू 2.7 होती है, जो हम अब प्लस वन ऑनवर्ड चलते हैं, जब पाई को हमने प्रूफिकली समझ रखा है। ऐसी जो ई की वैल्यू होती है, इसका प्रूफ भी होता है, वो एक्सपोनेंट सीरीज होती है ग्रेजुएशन में, वो हमारे पास ई पावर एक्स। अगर समझना चाहते हो प्रूफ, तो इसका प्रूफ भी होता है, ई पावर एक्स है आपके पास, ई पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, e पावर x की वैल्यू होती है, ये एक्सपोनेंट सीरीज होती है, पावर x कांस्टेंट पावर वेरिएबल, e की वैल्यू आती कैसे, अगर किसी क्यूरियोसिटी है तो ये एक्सपोनेंट सीरीज होती है। e पावर x की वैल्यू होती है 1 x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जैसे पहली बार पाई आया होगा तो वो नहीं समझाया होगा, धीरे धीरे आपने अपने आप देखा होगा यूट्यूब पे यहाँ वहाँ की पाई की वैल्यू कैसे बनती है, किसको पता है सीधा जिस तरह से उसने याद रख रखी है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये मैकलोरियन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये सारी सीरीज दे रखी है, ये हमारे पास बीटेक और ग्रेजुएशन में होती है, आपके पास जिसका प्रूफ होता है ये आती कहाँ से है, तो ये आपके पास बीटेक या ग्रेजुएशन में आएगी, या फिर जब आप कहीं कॉम्पिटिशन पढ़ोगे तो वहां भी हर कोई आपको बताएगा भाई मैकलोरियन सीरीज सीधा लिखवा देगा, प्रूफ को ही देगा, प्रूफ करने के लिए मैकलोरियन सीरीज। और हम कब कराते हैं, जैसे प्लस वन के स्टार्टिंग में जब हमारे डेमो क्लासेस लग रही होती है तो उसमें हम लॉग लू करा देते हैं, और जब प्लस टू की चल रही होती है डेमो क्लासेस तो हम उसमें दो तीन दिन की तब हम मैकलोरियन सीरीज करा देते हैं, कि बच्चों कहते हैं देखो प्लस वन में तुमने एक्सपोनेंट की वैल्यू पढ़ी, आई कहाँ से इस सीरीज से, फिर भी बता रहा कहाँ से आ रही है अभी। पर ये डिराइव कैसे होती है, डेरिवेशन हम बताते हैं, कि उसके लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, डेरिवेटिव की जरूरत होती है, मैकलोरियन सीरीज बनाने के लिए यूज होता है डेरिवेटिव का, जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास अभी जेब में नहीं है। फिजिक्स में चाहे जितना मर्जी पढ़ लिया हो, मैथ का डेरिवेटिव मैथ का पढ़ना पड़ता है, तो वहां आप जरूर सीखते हो। अब यहाँ आप पुट करा लो एक्स को 1, तो आपको जो सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी, अगर आपको फैक्टोरियल की नॉलेज है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि पूरा मैथ अभी आपके हाथ में है कि नहीं वो आप देखो, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है आपके पास 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये फैक्टोरियल आता कहाँ से है, ये 3 रीड, इसको करते हैं रीड एज 3 फैक्टोरियल, और इसको आता कहाँ से, अगर सबको याद हो तो चैप्टर 7 से आता है, एक्सरसाइज 7.2 से, प्लस 1 की जो होती है कॉन्टिन्यूस पैटर्न। जब इसको सॉल्व कराएंगे 1 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.01 इस तरह से, तो ये सबको सॉल्व करके 2.7183 बनता है, ये इसकी वैल्यू होती है, याद करनी है ठीक लो, ठीक है। नहीं तो हम यूज नहीं करते इसको, वैल्यू को कभी यूज नहीं करते, वैसे ई ई बहुत आता है हमारे पास, तो ई बेस्ड फॉर एक्स, ई की वैल्यू को जानना चाहते हैं मैंने बता दिया, ये होती है एक्सपोनेंट सीरीज। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल तो बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, रेसिप्रोकल तो आपके दिमाग में वैसे ही स्ट्राइक कर जाते हैं, फिर मैं आपको रेसिप्रोकल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x होते हैं, जो 1/x, इसके बारे में ज्यादा बात क्या करूं। थर्ड आपके पास लॉगरिथम फंक्शन, यहां भी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू
एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वन, ये आ जाएगा लोगेरिथम फंक्शन। तो आज हमने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर रिजल्ट पढ़ने हैं और उस एक्सरसाइज को करना है। एक एक को पहले करा देता हूँ ताकि थोड़ी एक्सरसाइज लगे आपको। तो मैं पहले एक रिजल्ट कराता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो सबसे पहला रेसिप्रोकल फंक्शन के ऊपर, नॉन डिफाइंड फॉर्म आपको पता ही है, एक्सपोनेंट मैंने बताया जो आपने नहीं है, कॉन्स्टेंट बाय वेरिएबल, बाकी तो आप सुन के जज करके। नॉन डिफाइंड फॉर्म आपको पता ही होती है, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। चलिए ये रहेगा आपके पास। चलिए सबसे पहला रिजल्ट है, एक्स से स्टार्ट करा रहे हैं। सबसे पहला रिजल्ट लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस वन बाय एक्स या वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स। अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाऊं तो इसमें डायरेक्ट मेथड फेल होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाऊं सबसे पहला डायरेक्ट मेथड लगाऊं, मैं बार बार आपको मेथड रिवाइज भी कराता जा रहा हूं तो फेल हो जाएगा। क्यों? वन प्लस जीरो की पावर वन बाय जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी, तो ये नॉन डिफाइंड है, ये नॉन डिफाइंड है। इसमें डायरेक्ट मेथड क्या हो गया? फेल हो गया। फिर मैं सोचूंगा सबसे पहले फैक्टर बनाने का जो बनते हुए दिख नहीं रहे, फिर मैं रैशनलाइज का सोचूंगा तो रैशनलाइज होता भी दिख नहीं रहा, फिर मैं सोचूंगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन का जो कि दिख नहीं रहा, जीरो पहले से ही चल रहा है, फिर मैं सोचूंगा पावर रूल, एक्स की पावर एन, ए की पावर एक्स माइनस ए वाला पावर रूल, वो भी लगता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि वन बाय एक्स है, इस फॉर्म का भी नहीं है। फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फॉर्म में सोचूंगा साइन एक्स बाय एक्स, वो भी नहीं लग रहा। जब ये पांच तरीकों से मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, डायरेक्ट मेथड मेरा फेल हो गया, तो मैं कुछ और सोचूंगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ई। कैसे? बाय, याद करो प्रूफ कैसे आता है, प्रूफ याद करो, बोला था एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल इसका जन्मदाता है, उससे इसका रिजल्ट बनता है। क्या बोला? ई। तो ई इसमें वही है जो आप थोड़ी देर पहले पढ़ते हो, ई स्टैंड फॉर, इसकी वैल्यू की कभी जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट होता है, फिर भी आप इसकी वैल्यू याद करना चाहते हो तो 2.7 होती है, ये बात अप्रोक्सीमेट रिमाइंडर। तो इसमें जो रिमाइंडर लगाने होते हैं उनमें रिमाइंडर सबसे पहला ये होता है कि ऑलवेज जीरो का हमारे पास लेना देना होता है। ये क्या आएगा? हमेशा जीरो, ऑलवेज जीरो, पहली। दूसरी बात क्या होगा? रेसिप्रोकल, जितना होगा उसका मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे x है तो उसका रेसिप्रोकल चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या चाहिए? लिमिट x को जीरो, वन प्लस x की बराबर वन बाय x, जितना x है उसका रेसिप्रोकल चाहिए, x का रेसिप्रोकल यहाँ चाहिए। फिर तीसरी बात हमें क्या चाहिए होगी? बस ये बात ध्यान रखोगे रिजल्ट आ जाएगा। तीसरी बात हमें क्या चाहिए होगी? तीसरी बात हमें चाहिए हमें लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू जीरो, पहला जीरो नहीं होगा तो पैसे तो जीरो रहता है, नहीं हो तो अगर कोई पूछा जाते, अगर ना हुआ तो इफ नॉट देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, तब हम क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे सोचना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पुट कराना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता था? पुट कराना। अगर आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज में भी कराया, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, ये सब्स्टिट्यूशन का रेसिप्रोकल होता है। अगर रेसिप्रोकल सर ना हो तो फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करते हैं, इफ नॉट, नॉट का भी इलाज बता रहा हूँ, देन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं, कैसे जैसे एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। फिर तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे हमेशा वन पॉजिटिव होता है, ऑलवेज वन पॉजिटिव। दूसरी तीसरी बात होती है ऑलवेज वन पॉजिटिव, वन होता है। अगर ना हो तो, अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो बनाते हैं, इफ नॉट देन हुई एड और सब्ट्रैक्ट वन कर लेते हैं, देन हुई एड करा लेते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं वन, बस तीन इलाज होते हैं। तीन हमारे पास डरने के मतलब रिमाइंडर लगाने की जरूरत है, या तीन चीजों पे हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। जब भी ये रिजल्ट लगे तो तीन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात जीरो है तो वैलिड को, नहीं है घबराना नहीं, सब्शन लगा लो। सब्शन मतलब a प्लस h या फिर a माइनस h, वो आपकी चॉइस थी अगर आपको याद हो। या x है उसका क्या चाहिए? रेसिप्रोकल। अगर ना हुआ देन यूज मल्टीप्लाई डिवाइड,
रेसिप्रोकल एक्स का हो गया 1 बाय एक्स, तो ठीक है, ना हुआ तो मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर यहाँ हमेशा 1 पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव 1 हुआ तो ठीक है, 1 पॉजिटिव ऐसे समझ लो, या फिर 1 के आगे पॉजिटिव है ये कह लो, ये भी बात कह सकते हो, इफ नॉट देन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 1, ये तीन इसके तोड़ भी दिख दिए, कोई क्वेश्चन आए समझने वाला बच्चा है तो कैच करे, सब्शन आज पहली बार नहीं पढ़ रही, मल्टीप्लाई डिवाइड पहले नहीं पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, थर्ड एक्सरसाइज में बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐड सब्ट्रैक्ट जरूर करना पड़ सकता है आपको जब कभी किसी में जरूरत पड़े। एनी हाउ मैं इसके पहले फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूँ, फिर दूसरे रिजल्ट पे चलो। चलिए 13.4 फर्स्ट का फर्स्ट 2x की पावर 1 बाय एक्स जितना यहां होगा उसका रेसिप्रोकल चाहिए, 2x है तो 2x का रेसिप्रोकल चाहिए। तीन बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तीनों में से कोई भी फेल हो तो हमें वही यूज करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले 0 जो कि इसमें था, पहली कंडीशन अगर मार्क करूं तो थी पहली कंडीशन ऑलवेज 0, यस ऑलवेज 0 था, दूसरी कंडीशन में पे चढ़ गया 2x उसका रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है तो मैं रेसिप्रोकल का पहले सोचना है, फिर तीसरा क्या चाहिए 1 प्लस, तो 1 प्लस भी है, तीन में से दो कंडीशन तो क्लियर है, 1 प्लस की कंडीशन क्लियर है, 0 की क्लियर है, सिर्फ एक रेसिप्रोकल की नहीं है, तो रेसिप्रोकल ना होने पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x का उल्टा 1/2x होता है, तो मल्टीप्लाई करा दो एंड डिवाइड करा दो, किससे वाला 2 से, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x है, ये कितना आएगा 1/2x, पावर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 1 प्लस 2x, ये आएगा 1/2x की पावर स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2x की पावर स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा, सोच लो एक क्यों 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, जहां आपके पास 1/x था उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या रख गया 1/2x आपने रह दिया, क्यों 1 प्लस 2x का स्क्वायर, वही की बात है, तो कितना बन गया बाय रिजल्ट से, बाय रिजल्ट लगा लो, रिजल्ट में क्या चाहिए बताओ, इसका रेसिप्रोकल 2x का रेसिप्रोकल हो गया तो कितना आएगा e, और ऊपर क्या पड़ा स्क्वायर आंसर, तो इसका आंसर e स्क्वायर होगा, एक करके दिखाओ, थर्ड पार्ट है खुद करो और आंसर बताओ भाई कितना आ रहा है। थर्ड पार्ट खुद करो, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 1 + 3x 1/4x ले आओ जरा, कितना बना रहे हो फटाफट से बता दो, देखो तीन बातों में से जितनी बातें आपके पास जेब में है उतनी बातें आप रख लो, तीन में से जितनी बातें आपकी पॉकेट में है उतनी बातें आप रख लो। सबसे पहली बात है क्या हमेशा जीरो का जिक्र हो रहा है, हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो इसकी ठीक है ऑलवेज जीरो, दूसरी बात ये यहां क्या रहेगा वन पॉजिटिव, तीसरी बात ये जितना यहां होगा उसका क्या आना चाहिए रेसिप्रोकल, जितना यहाँ होगा वन पॉजिटिव है इसका यहाँ पे चाहिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में ही गड़बड़ है, बनाओ जरा बताओ कैसे बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे, क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, देखो कितना इसको सोचो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, करके बताओ आंसर सारे के सारे। अगला रिजल्ट है रिजल्ट नंबर सेकेंड में लिखा, मेरे को आंसर बताओ इसका, मैं रिजल्ट सेकेंड तब तक लिखवा रहा हूँ, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 0 बस ठीक है, क्यों बोला 3x था तो 1/3x चाहिए,
तो मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो बाय 3 से कर दो। तो इतना बहुत था करना, बिल्कुल लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस 3x है। मैंने क्या कर दिया, ये 4x आ गया, ऊपर 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया तो 12 बन गया था। तो कोई बात नहीं, तो मैंने क्या बना दिया, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 है 1 प्लस 3x है, तो मैंने क्या बना दिया 1 बाय 3x जो रिक्वायरमेंट थी। 3 से हमने 3 से 12 बन गया, 12 में से 3 रख दिया की पावर बाकी जो बेस था बाहर ले गए। क्या मतलब 3 बाय 12x था, तो मैंने 12x में 3x रख लिया, बाकी क्या रह गया 3 बाय 4 क्योंकि 3 ये बाहर चला गया बाय 4 आपको। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये 3 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये भी 12 ही है, ये भी 12 ही है, तो क्या आ गया e की पावर 3 बाय 4। अगला रिजल्ट है अगले रिजल्ट में देखो हमने क्या करना है। रिजल्ट नंबर 3, लिमिट x ओवर 0 a पावर x माइनस 1 बाय x, तो ये क्या होता है log of a। तो इसमें भी रिमाइंडर होते हैं कुछ ना कुछ, तो सबसे पहला रिमाइंडर क्या होता है, ये भी वैसे अगर आप देखो तो 0/0 फॉर्म है, प्रूफ एल ऑपरेटर रूल से। जब आपको पूरी डिफरेंशिएशन आ जाएगी वैसे अगर देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसका जो प्रूफ होता है वो होता है एल ऑपरेटर। किसी का भी प्रूफ करना है तो एल ऑपरेटर रूल होता है, वही मैंने आपको बताया, ऊपर वाले की अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले की अलग डिफरेंशिएशन। जब तुम्हारे डिफरेंशिएशन का हाथ खुल जाएगा, जब तुम्हें प्लस वन मैथ की डिफरेंशिएशन आ जाएगी, तो आप हर कोई खुद ही निकालना शुरू कर दोगे, पर इसको आप सीबीएसई में यूज नहीं कर सकते। सीबीएसई में आप रिजल्ट सीधा उसके लगा सकते हो, पर एल ऑपरेटर से नहीं कर सकते, इसको पूरा कराना पड़ेगा आपको। ए पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, इसका जो रिजल्ट होता है वो लॉग ए होता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। थोड़ा दूर लिख लो, और मैंने इसका रिजल्ट यहीं लिखता हुआ अच्छा लगता है, नीचे लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लॉग ऑफ ए होता है, ए से हमारा मतलब इस कॉन्स्टेंट से होता है, मेरा मतलब मैं दोनों का कलर सेम कर दूं तो वो आप समझ जाओगे ये ए है, तो ये भी वही वाला ए, ए सेम यूज कर। तो इसमें जो रिमाइंडर लगाने वाले हैं वो ये रिमाइंडर है, तो एल ऑपरेटर रूल इसका भी, और इसका भी प्रूफ एल ऑपरेटर रूल से, सभी रिजल्ट का प्रूफ एल ऑपरेटर रूल से। उसको भी करना है तो ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, इसको भी करना है ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, रिमाइंडर है। जैसे अगर मेरे से अगर आप कोई बच्चा उसका प्रूफ चाहते हो, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 जब आपकी डिफरेंशिएशन तैयार हो जाएगी, या कोई प्लस 2 में आपका ब्रदर सिस्टर या कोई पढ़ता होगा, एल ऑपरेटर लगा लो 1 की पावर इनफिनिटी, तो फिर आप क्या लगाओगे, डिफरेंशिएट कराते हैं लॉग लेके, तो उससे पूछ रहे हैं इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ट्राई है, तो एल ऑपरेटर रूल इसका इलाज होता है। 1 की पावर इनफिनिटी होते हैं 0/0, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, रिमाइंडर लगा लो। रिमाइंडर में सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये जो भी आप कराओगे तो एल ऑपरेटर रूल, आपका एक साइंटिस्ट होते हैं जिसके नाम पे रूल चला है, तो आप इनको आप सॉल्व कर सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 है। तो कहता है ए की पावर एक्स है माइनस 1 बाय एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, अगर नहीं होगा तो बनाएंगे, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो बना लीजिए, हमेशा क्या आना चाहिए 0। दूसरी बात है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, a पावर x माइनस 1 बाय x है। दूसरी बात क्या होगी, सेम होने चाहिए, बाई चांस कोई मुझसे पूछे कि सर 0 ना हुआ तो, ऑलवेज 0 होना चाहिए, अगर ना हुआ तो तब क्या करूंगा, देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। तब क्या अप्लाई करा दोगे, सब्स्टिट्यूशन, सब्शन क्या होती थी, पुट कराना, देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन। सब्शन का मतलब क्या, पुट करा दो, पुट करा दो x को कितना भला, सब्शन लगानी है, सब्शन को क्या लगाओगे, x को कितना पुट लगाओगे, a प्लस h या फिर a माइनस h, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे भैया क्या लगाना चाहते हो क्या नहीं, एक बात। दूसरी बात क्या होगी, ठीक है जब भी जीरो हो तो ठीक है इस पूरी एक्सरसाइज में, ना हो तो सब्शन लगाना। दूसरी बात क्या होगी, ये दोनों x सेम होने चाहिए भैया, सेम। दूसरी बात क्या होगी, सेम होंगे, सेम, अगर नहीं होंगे तो वही वाला पिछले वाला इलाज, इफ नॉट देन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का तरीका हम अपनाएंगे, ठीक है। तीसरी बात है तीसरा बच्चा है क्या, बच्चा है क्या, भाई तीसरा हमें तीसरा लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 है ए पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 0।
ये हमेशा दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अगर नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वन। तीसरी बात, नेगेटिव वन होना चाहिए। इफ नॉट देन वी एड एंड सब्ट्रैक्ट को यूज करेंगे। देखो, इफ नॉट देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, इफ नॉट देन यूज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इफ नॉट देन वी एड एंड सब्ट्रैक्ट। कितना को एड और सब्ट्रैक्ट करोगे, वन को, वन को। एड एंड सब्ट्रैक्ट कितना कराना है बताओ, एड एंड सब्ट्रैक्ट वन कराना है, वन वन नीचे लिख दूं, वन कराना है, वन। चलो वन नहीं है तो वन एड सब्ट्रैक्ट करो। मल्टीप्लाई डिवाइड कितना कराओगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मुझे क्या पता है क्वेश्चन की क्या डिमांड है। मैं पहले तीनों का एक एक कराता हूँ, जीरो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो सब्शन एक बार, सेम हुआ तो ठीक है तो मल्टीप्लाई डिवाइड दूसरी बार, वन हुआ तो ठीक है नहीं तो एड और सब्ट्रैक्ट। पहले इस चीज को याद कर लो, दो मिनट इस चीज को याद कर लो। अब मैं इन तीनों पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो जरा क्या। तीनों पे मैंने कहा कि क्वेश्चन मैं देता हूँ, अभी मैंने आपको बोला है, तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पहले तीनों रिजल्ट, फिर मैं जनरली फटाफट से करा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले और सेकंड का थर्ड पार्ट, जो आपके एलिमेंट्स का ये सेकंड का थर्ड पार्ट। तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ई पावर थ्री एक्स है, माइनस वन बाई एक्स है। तो जनरली क्या हमें चाहिए होता है, वो हमने सोचना है। तो सबसे पहले हमें जीरो चाहिए जो कि था, फिर हमने दोनों को सेम रखना था जो कि इसमें नहीं था। जीरो होना तो एक कंडीशन है ही है, ऑलवेज जीरो जो कि इसमें है, तो इसको तो छेड़ेगा। दूसरी बात क्या होगी, ये दोनों सेम होंगे, सेम ये नॉट सेम, सेम होते हैं। अगर सेम ना हुए तो कहता है नॉट सेम, देन यूज मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ थ्री एक्स था या एक्स था, उसका रीजन यहाँ देख लो, हमें तब मल्टीप्लाई डिवाइड के पास जाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थ्री से, पहले इस रिजल्ट को पक्का कर दूं। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, ई पावर थ्री एक्स है, माइनस वन बाई एक्स है। आप थ्री से ही मल्टीप्लाई कराओ, थ्री से ही डिवाइड कराओ, तो ये क्या बन जाएगा, सारे का सारा लॉग ऑफ ई इंटू थ्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड लॉग ई। वाई लॉग ई, क्योंकि ये ए था तो ए बाहर आता है, यहाँ पे ई है तो ये ई था, ध्यान से देखो ई था तो यही ई बाहर आएगा, ई है तो ई आएगा, ध्यान से देखो। ये मतलब क्या समझाया गया है, अगर आपके पास एक्स एक्स सेम ना हो तो यूज करो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैंने ये रिजल्ट आपको समझा दिया, ये तो मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। दूसरा है यहाँ पे हमेशा क्या चाहिए, माइनस का वन। दूसरी बात है वो मैं इसका भी एग्जांपल कराता हूँ, फिर मैं सब्शन का भी करा देता हूँ। फिर मैंने एक बात कही आपको, सेकंड का फर्स्ट, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू जीरो, थ्री की पावर x, टू की पावर x, नीचे वाला क्या आएगा x, थ्री की पावर x, टू की पावर x, नीचे वाला क्या आएगा x, तो क्या आएगा, थ्री की पावर x, टू की पावर x, नीचे वाला कितना आएगा x। तो मैंने क्या बात बताई थी, सबसे पहले जीरो की जो इसमें थी, ऑलवेज जीरो की। फिर दूसरी बात बताई, दोनों सेम होने चाहिए जो कि इसमें था, कि दोनों सेम है आपके पास, क्या मतलब, यहाँ भी x है, ये भी x है, सेम है, सेम। तो मेरी दो बातें सेम चल पड़ी, दोनों सेम और क्या होना, जीरो होना। यहाँ ऑलवेज वन था जो कि यहाँ दिख नहीं रहा मुझे भी, और शायद आपको भी दिख नहीं रहा, यहाँ पे ऑलवेज क्या होना चाहिए, वन। अगर नहीं होगा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है एड एंड सब्ट्रैक्ट वन करा दूंगा, तो करा दीजिए एड और सब्ट्रैक्ट वन, एड करा दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट करा दीजिए वन को इन न्यूमिनेटर में, ऑब्वियस ही बात है न्यूमिनेटर में करा दीजिए। लिमिट ऑफ एक्स अपॉन जीरो, थ्री पावर एक्स, टू पावर एक्स, वन एड वन सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, थ्री पावर एक्स, टू पावर एक्स, वन एड वन सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। चलिए तो कितना आ गया, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो, थ्री पावर एक्स, माइनस का वन आगे रख लिया, माइनस का वन आगे रख लिया, माइनस टू पावर एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये रहा थ्री पावर एक्स, ये रहा माइनस वन, ये रहा माइनस टू की पावर एक्स प्लस वन। मेरा मतलब मैंने इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया आगे पीछे,
तो 3 बार x था तो -1 पहले रख लिया, क्यों भला मुझे सबट्रैक्शन की कमी थी या 1 नहीं था, तो 1 को सबट्रैक्ट कर दिया -2 बार x + 1, तो यहां से भी माइनस कॉमन ले जाओ तो लिमिट x पर 0 है। 3 बार x - 1 माइनस मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 2 बार x - 1 y x है, a माइनस बी बाय सी है, a माइनस बी बाय सी, a बाय सी, b बाय सी है, यह आएगा इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग। तो ये जो दूसरी कंडीशन थी उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, भैया अगर आपका पास 1 नहीं है तो 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट करा, होता तो ठीक था नहीं था तो करा, तो मैंने वही कोशिश की 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट कराने की, जो मेरा कामयाब रहा मैंने 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट, ये और दोनों उठा लिए 3 बार x और -1 वाला उठा लिया, -2 बार x + 1 है, माइनस कॉमन ले लिया, लिमिट x पर 0 है, 3 बार x - 1 बाय x है, 2 बार x - 1 बाय x, 3 बार x - 1 बाय x है, 2 बार x - 1 बाय x है। चलिए अब दोनों की लिमिट अलग करा दो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 3 बार x माइनस 1 बाय x, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, 2 बार x माइनस 1 बाय x, तो इनमें रिजल्ट लग रहे हैं मेरे पास, जब रिजल्ट लग रहा तो लगा दूंगा, क्या बोला 3 बार x माइनस 1 बाय x, सारी कंडीशन क्लियर है, 0 है हाँ, 1 है हाँ, x x सेम है हाँ, थोड़ा बड़ा लिखा थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, क्या आएगा 3 की पावर x माइनस 1 ये बड़ा लिख लीजिए, 2 की पावर x माइनस 1 बाय x ये बड़ा लिख लीजिए, कितना आ जाएगा ये बताओ, कितना आएगा log of 3, ये कितना आएगा log of, आंसर आ जाएगा, दोबारा देख लो एक बार क्या मतलब था, 3 पावर x 2 पावर x बाय x, यहां पे क्या होना चाहिए हमेशा 0, नहीं होगा तो हम बनाएंगे, पर बना बनाया था x सेम था तो बनाएंगे, यहां 2x था 1 होना चाहिए, if not always 1, नहीं था तो 1 add 1 subtract करा दो, 1 ही add 1 subtract, minus 1 वाला पहला दिया, minus common ले लिया, सोचो अलग अलग कर लो, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, तो ये क्या log 3, तो एक log की property होती है जो हमारे पास चलती है, तो property क्या है log of m minus log of n log of m by n, तो ये आएगा log of 3 by 2, answer, ये मतलब a minus b by c, a by c, b by c, ये answer आ गया log 3 by 2, log of m log of n, m into n क्या होता है, log m, log n, log m minus log n, log m upon n, next one, एक वो कराऊंगा जिसमें सबशन होगा, तो कम से कम तुम्हारी सबशन वाली बातें सारी तैयार हो जाएंगी, fourth का second, अब ये रह गया हमारा, मैं इसी को टारगेट करूंगा, जीरो होता तो ठीक है, नहीं होता तो कैसे हैंडल करोगे वो तुम देखो, तो आपके पास क्या आएगा, फोर्थ का एक सेकंड है, देखो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 2 है, 2 इस बार 0 नहीं है, e पावर x, e पावर 2 x - 2, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 2 है, फिर क्या आएगा e पावर x - e पावर 2, नीचे क्या आएगा x - 2, e पावर x है - e पावर 2 x - 2 है, तो यहां पे पहली कंडीशन फिर होगी हमेशा 0 की, always 0 होना चाहिए जो कि नहीं था, then apply substitution, put करा लो x को, जितना यहां होगा 2 plus h, such that h approaches to 0, जहां जहां x होगा वहां strike कराओगे 2 plus h की, तो मैं marker change कराऊं जहां जहां x था उसने बोला है 2 plus h करा दो, तो 2 plus h approaches to क्या होगा 2, e power 2 plus h minus e power 2 अपॉन तीन जगह 2 plus h पुट होगा, क्यों पुट होगा वो आप लोग भी समझते हो, minus 2, एक तो यहां होगा x, यहां होगा x, यहां होगा x, तो कितना आ गया सोचो, 2 को इधर ले जाओ, limit of h approaches to 0, limit of h approaches to क्या आएगा 0 आएगा, देखो जरा, limit of h approaches to क्या आएगा 2 minus 2 0, e power 2 plus h माइनस e का स्क्वायर अपॉन कितना रह जाएगा h रह जाएगा, अपॉन कितना रह जाएगा h रह जाएगा, अपॉन कितना रह जाएगा h रह जाएगा, सोचो बना लीजिए कितना बनाओगे a की पावर m plus n, यहां पे 2 से 2 कट गया तो कितना रह गया सोचो जरा, यहां पे हमेशा क्या आना चाहिए 0, यहां पे 0 नहीं है तो बना लेंगे,
तो पुट करा ले x को 2 plus h, तो लिमिट क्या आएगा x की जगह 2 plus h, x की जगह 2 plus h, x का 2 plus h, जो कट्टा काट दिया 2 को दे देंगे, तो e की पावर 2 plus h, e square minus h, तो यहाँ पे क्या आ गया है, a की पावर m plus n, जो इंडक्शन में बहुत ज्यादा लगाया होता है आपने, a की पावर m, या 10th क्लास तक बहुत है, बेस m पावर m, तो क्या आ गया, लिमिट h अप्रोच टू 0, a की पावर 2 into e की पावर h, e की पावर 2 by h, कुछ कॉमन आता है ऊपर से, मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, कॉमन, तो मैंने तीन बातें आपको इसमें बताई थी, या तो आपके पास हमेशा क्या लगता है, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सबट्रैक्ट 1, तो मैंने तीनों का एक एक आर्टिकल इसलिए डाल दिया आपके सामने, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो आप इनका तोड़ सब्शन लगाओगे, वन ऐड वन सबट्रैक्ट कराओगे, और हमेशा क्या बनाओगे, सेम सेम था, वन ऐड वन सबट्रैक्ट बाद में देखते हैं, पहले सब्शन देखा, सब्शन क्यों लगाना जरूरी हो गया, क्योंकि जीरो नहीं था, जीरो होना बहुत जरूरी था, अब जीरो आ गया, अब हमारी कंडीशन जीरो की पूरी होगी, e पावर एच है, e पावर एच है माइनस वन है बाय एच है, e पावर एच है माइनस वन बाय एच है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सोच लो e स्क्वायर, ये तो e स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होता है e, e पावर एच माइनस वन बाय एच, तो इसमें क्या लग जाएगा, रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या होता है, लॉग e, तो इसका आंसर आएगा e स्क्वायर लॉग, ऐसे आंसर। चलिए अब बाय प्रॉपर्टीज चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, मैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज करा दूंगा आपको, ताकि जब हम एक्सरसाइज में आगे बढ़े तो आपको पता होना चाहिए, मैंने तो रिजल्ट को कराना था इसलिए करा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है लॉग की, प्रॉपर्टीज है लॉग की, तो लॉग की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एम, log of m into n, दूसरी प्रॉपर्टी है log m minus log m, log m by n, तीसरी बात है log of m plus n का, कोई रिजल्ट नहीं होगा, no result, कहने का मतलब ये है log m plus n की ब्रैकेट नहीं खोलती, log में ऐसा नहीं होता, due to log table, example log x plus sin x आ जाए, गलती से भी पूरे मैथ में खोल मत देना, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता, पहली बात कही गई है। फोर्थ है log m minus log, log m minus n का, minus n का, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता है, ये भी नो रिजल्ट के। फिफ्थ है log of, फोर्थ था ये था, log of फिफ्थ, log m power n and log m, log m power n and log m, log of m power n n log n, sixth है log of a is to base b, log read as log of a is to base b, इसका अलग से YouTube पे पूरा बना पड़ा है log को लेके, आपने वहां से देखने तो देखो। seventh है, अगर आपको नहीं समझ आता, जैसे log x base 2 है तो इसको लिखते हैं log x by log 2, इसको read ऐसे कर log x is to base 2, फिर आएगा सेवंथ है log of, जो 1 होता है वो 0 होता है log table से, log of 0 minus infinity होता है log table से, log of e, e होता है 2.7183, ये 1 होता है तो log e जहां जहां होता है हम 1 यूज करते हैं सिर्फ log e, और 10th है log of infinity, किसी ने लिखना है तो infinity होता है, तो ये कुछ properties है जो पूरे math में और केमिस्ट्री में भी आप लोग यूज करते हो, जब आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल निकालते हैं इनके बिना नहीं निकल सकते, log m plus n, log m minus log n, log m plus n का कोई रिजल्ट नहीं, log m minus n का रिजल्ट नहीं, गलती से भी log को इसमें खोलना नहीं, x minus sin x है, तो log of x sin x जरूरी नहीं हो, कुछ भी हो x square ही क्यों ना हो, log of x square का कहीं भी जिक्र नहीं होता, तो log m power n क्या आएगा, n log m, log a base b, log a by log b, log x base 2, log x by log 2, log 1 0, log 0 minus 2, log e 1, log infinity क्या होते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन।